यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शुरुआत पहाड़ प्रभात की सबसे बड़ी खबर से। देवस्थानम बोर्ड बनाने के फैसले को चुनौती दी गई है और ये चुनौती बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने दी है। और बहुत बड़ी खबर आपको देते, अब मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल नैनीताल हाईकोर्ट में मुकदमा हारने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं सुब्रमण्यम स्वामी और हाईकोर्ट ने 21 जुलाई को सुब्रमण्यम स्वामी की पीआईएल खारिज कर दी थी और चार धाम यात्रा के धार्मिक प्रबंधन के लिए धार्मिक स्थलों का प्रबंधन सरकारी अधिकारियों को देने के खिलाफ सुब्रमण्यम स्वामी है और परंपराओं के खिलाफ। आपको बता दें कि जो हकूकधारी हैं, जो पंडित पुरोहित हैं, उनकी नाराजगी तो देखने को मिल ही रही है, लेकिन इस बीच में अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर गए हैं। हमारे साथ हमारे ब्यूरो चीफ अजीत राठी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अजीत, अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं सुब्रमण्यम स्वामी, वहां पर क्या कुछ दलीलें रख सकते हैं, क्योंकि नैनीताल हाईकोर्ट से तो राज्य के पक्ष में ही फैसला आया। राजीव, देखिए एक बड़ा डेवलपमेंट है। हाईकोर्ट से मुकदमा हारने के बाद सुब्रमण्यम स्वामी जो खुद भाजपा नेता हैं, भाजपा के सांसद हैं और वो भाजपा की सरकार के खिलाफ ही मुकदमा लड़ रहे हैं, तो वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचे हैं। अभी उनकी सुनवाई, अगली सुनवाई कब होगी इस विशेष जनहित याचिका पर, अभी ये तो तय नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना इरादा स्पष्ट कर दिया है। हालांकि उन्होंने पहले ही कहा था कि नैनीताल से जो भी फैसला होगा अगर उनके हक में नहीं होगा तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अंततः वो सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने नैनीताल हाईकोर्ट के कुछ फैसले को चुनौती दी, जिसमें देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ सीबीआई उनकी जनहित याचिका को खारिज कर दिया गया था। अब इसमें तमाम चीजें हैं जो परंपरागत चीजें हैं, जो बहुत सदियों से चली आ रही पद्धति है, पूजा पद्धति है, सदियों से चला आ रहा प्रबंधन है जो मंदिरों का प्रबंधन करता है। तो सुब्रमण्यम स्वामी का तीर्थ पुरोहितों का ये कहना है कि पूजा पद्धति वाले में धर्म क्षेत्र में कम से कम अधिकारियों की कोई दखल नहीं होनी चाहिए। उधर सरकार दावा कर रही है कि हकूकधारियों के पूरा ध्यान रखा गया, उनके किसी अधिकार को, किसी भी अधिकार को अतिक्रमित नहीं किया गया है और हमने देवस्थानम बोर्ड की स्थापना यात्रियों की सुविधाएं बढ़ाने के लिए किया है। लेकिन दोनों ही पक्ष नाराज हैं और एक दूसरे से सहमत नहीं है। आपने देखा होगा एबीपी गंगा ने बहुत प्रमुखता से दिखाया चारों धाम में तीर्थ पुरोहित और पुजारियों ने किस तरह से एक लंबे समय तक आंदोलन रखा, और अभी चूंकि कोरोना की वजह से जब धारा 144 मंदिरों के आसपास लागू की गई तब वहां से वो हटे। विरोध अभी भी लगातार जारी है। अब सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय होगा, कब की सुनवाई होगी, ये तो भी नहीं जानकारी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का निर्णय इस मामले में अहम होगा, क्योंकि स्वामी जिन मामलों की दलील दे रहे हैं, स्वामी का ये भी कहना है कि गुजरात में भी एक ऐसा ही कानून था और वहां भी भाजपा की सरकार है, वहां की सरकार ने उस कानून को हटाकर पूरा जितना भी धर्म क्षेत्र का काम था वो तीर्थ पुरोहित और पुजारियों के हवाले कर दिया। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ ये सब कर सकती है तो उत्तराखंड में क्यों नहीं। और उन्होंने तमाम ऐसे बिंदु रखे हैं कि सरकार को इस मामले में बिल्कुल दखल नहीं देना चाहिए, उनके लॉजिक हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कितना उनका संज्ञान लेता है देखने वाली बात होगी। जी अजीत, आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। तो देवस्थानम बोर्ड बनाने के बाद सरकार का यही कहना है कि धर्म क्षेत्र में दखल नहीं है, लेकिन बीजेपी राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का मानना है कि देवस्थानम बोर्ड धर्म क्षेत्र में दखल है और ऐसे में जो परंपरा है, मंदिरों का प्रबंधन है, जो पूजा पद्धति है, उनमें ये एक तरीके से सरकारी अतिक्रमण है, लिहाजा ये नहीं होना चाहिए और देवस्थानम बोर्ड हटना चाहिए। जो पुरानी परंपरा है उसी हिसाब से मंदिरों